कोई मक्का मदीना हज जाता है, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है, तो कलाकार का ये जो लव कुश रामलीला का जो मंच है, हमारे इष्ट देवता का मंच समझिए आप। मेघनाथ को आप लोग राक्षस को उस रूप में मत देखिए। उनका एक कथन है, अगर अपना भी हो, अगर गलत रास्ते पे चला गया है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। आप जब अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं तो एक जिम्मेदारी रहती है आपके ऊपर कि भैया मेरे को अच्छा काम करके देना है, मेरे दर्शक जो मुझे देखते हैं, जो इतने सालों से प्रेम देते आए हैं। जब उनकी माँ समझाती हैं कि बेटा अभी भी वक्त है, आप रण क्षेत्र में ना जाएं, उनकी पत्नी भी समझाती है, तो फिर उन्होंने बोला। आप देख रहे हैं वी आर न्यूज, एक नज़र सच्चाई की ओर। देखिए, आप तो खुद ही अपने काम को लेकर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जब अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं तो एक जिम्मेदारी रहती है आपके ऊपर कि भैया मेरे को अच्छा काम करके देना है, मेरे दर्शक जो मुझे देखते हैं, जो इतने सालों से प्रेम देते आए हैं, उनको कहीं जाने नहीं देना। तो एक हमेशा एक मैंने जैसा तो बोला अपग्रेड, जैसे अभी हेमंत भाई ने जब पहला शो अपना किया था और आज जो कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर कितना अपग्रेड किया इन्होंने खुद को, है मैं राइट हेमंत भाई? बिल्कुल हेमंत जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बार लव कुश रामलीला को? बहुत अच्छी तरह से। मैं जी आपके साथ में रावण शंकर बैठे हैं, देखिए बहुत से अभी मिले नहीं हैं। हाँ, तो किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से नहीं नहीं हमारे मेरे लिए तो वाकई, मैं 6 साल दिल्ली में रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए तब सुनते थे, और आज उस रामलीला में एक्टिंग करने का अवसर मिल रहा है, उसमें रोल करने का अवसर मिल रहा है, तो एक कलाकार के तौर पे जो यात्रा ईश्वर ने दे रखी है उसमें ये एक जैसे माथे की बिंदी होती है खूबसूरती के लिए, वैसे मेरे जीवन के करियर में ये जो रोल है वो माथे की बिंदी की तरह है कि लव कुश रामलीला का मैं हिस्सा हूँ। क्या बात, मनोज तिवारी जी कहते थे जब आए थे पहली बार यहाँ किरदार करने कि ये मंच बड़ी नसीब वाले कलाकारों को मिलता है, और जिनको मिलता है वो जीवन में कहीं दूर ऊँचा जाता। वाकई हर सनातनी बच्चे का रामलीला पहला मंच होता है, पहला रंगमंच उसकी शुरुआत रामलीला से होती है, तो उनमें से एक मैं भी रहा हूँ, और खुशी की बात है कि दिल्ली की लव कुश जो रामलीला है उसको पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखता है, जानता है, और सबको पता है कि कितना बड़ा आयोजन है ये महाकुंभ है, रामलीलाओं का महाकुंभ है ये लव कुश रामलीला, तो उसमें जो एक्साइटमेंट या जो श्रद्धा एक दर्शक की होती है वैसा ही एक्साइटमेंट एक कलाकार के रूप में मेरा भी है, और ज़्यादा खुशी की बात है कि जब आपके अभिनेता आपके मित्र होते हैं उनके साथ जब आप रोल करते हैं तो उसका टाइमिंग का एक अलग ही अंदाज होता है उसमें। मेरा सवाल है कि आपने बोला कि आपने शुरुआत किया था राक्षस के रूप से, इसके बाद आपने बंदर का भी किरदार निभाया है, आप जैसे एक अच्छे कलाकार, अच्छी अच्छी हिट फिल्मों आपने काम किया है, बड़े कलाकार हैं, बावजूद इसके आप इस नाटक मंच पर फिर से रोल अदा कर रहे हैं? आप अपने जब यहाँ महानगर में रहते हैं तो अपने गाँव जाते हैं? जी बिल्कुल। पूजा मंदिर में जाते हैं? वैसे ही किसी भी कलाकार का ये इष्ट देवता का मंदिर है ये रंगमंच, ये रामलीला, किसी भी कलाकार के लिए, कोई मक्का मदीना हज जाता है, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है, तो कलाकार का ये जो लव कुश रामलीला का जो मंच है हमारे इष्ट देवता का मंच समझिए आप। तो ये कुछ एक लास्ट सवाल हेमंत जी, देहरादून जाएंगे तो आपका जो मेडिटेशन सेंटर है इधर रामलीला के बाद कुछ रिलैक्स करने का प्रोग्राम? मैं तो पैसे कमाता हूँ उत्तराखंड चला जाता हूँ, खर्च होते ही वापस आ जाता हूँ, तो रामलीला में काफ़ी काम कर रहा हूँ तो बम्बई ही जाऊँगा, छुट्टियों में जाऊँगा बाहर। आए पूरे मीडिया सब लोग, क्योंकि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, उसकी पवित्रता और उसकी ईमानदारी बनी रहे तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज से 30-34 साल पहले मैं भी पत्रकार रहा हूं उत्तर उजाला अखबार का, और ऐसा पत्रकार रहा हूं कि उस वक्त की पत्रकारिता को माँ कसम के बराबर माना जाता था, जो अखबार में छप गया वो माँ कसम के बराबर होता था, तो आज आप भी अपनी पत्रकारिता की तुलना कर सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचे, और बाकी तो आप समझदारी है। रावण और मेघनाथ के किरदार जो हम देखेंगे किस तरह से हमें बताएंगे, किस तरह की नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोग उसके मंच पे हमें किरदार निभा रहे हैं, और विगत 8 वर्षों से मैं यहाँ करते आ रहा हूँ लोग, ये मेरा सौभाग्य है और बहुत खुशी की बात है कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सबका प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, तो अपने समय निकाल कर अभी भी हमारी एक सीरियल चल रही है, अभी थोड़ा सर बिजी थे हम, तो सर का आदेश हुआ कि
कि कुछ इस बार डिफरेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या करेंगे, उन्हें मेघनाथ करते हैं, क्योंकि मेघनाथ एक अपने आप में एक चैलेंजिंग रोल है और वो पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। आप जैसे मेघनाथ को आप लोग राक्षस को उस रूप में मत देखिए। उनका एक कथन है, अगर अपना भी हो, अगर गलत रास्ते पे चला गया है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। और कोई पुत्र अपने बाप का साथ छोड़ दे उसी स्थिति में वो पुत्र नहीं हो सकता है। ये मेघनाथ की उक्ति है। जब उनकी माँ समझाती हैं कि बेटा अभी भी वक्त है, आप रण क्षेत्र में ना जाएं, उनकी पत्नी भी समझाती है, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं माँ राम से सीखूं, लक्ष्मण से, जो अपने भाई के लिए राजपाट छोड़कर वन में आ गए, मैं एक पुत्र होकर अपने पिता का साथ छोड़ूं। तो उन्हें पता था कि अब जो होगा वो विनाशकारी होगा, जो सबके सामने हुआ। लास्ट समय में अपने पिता को भी समझा, पिता श्री अभी भी वक्त है, माता सीता को लौटा दें और राम के शरण में चले जाए, इसमें हम सब लंकावासियों का भला होगा। किंतु होने को कुछ और मंजूर था। जिसे कहते हैं ना, हुई है वही जे राम रची राखा। तो ये सब राम की रची हुई कहानी थी जो सबके सामने थी।